अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मुंबई फेमस ग्रीन कीमा बनाने की रेसिपी। ग्रीन कीमा इतना बेहतरीन बन के तैयार होता है और मुंबई के रेस्टोरेंट में इसे सर्व किया जाता है ब्रेकफास्ट में। इसके साथ में पराठा या फिर पाव भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बेहतरीन कीमा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रुपीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी ये डिलीशियस कीमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है और एक कप हम डाल देंगे इसमें फ्रेश धनिया, 8 से 10 इसमें हम डाल देंगे पुदीने, और दोनों ही इंग्रेडिएंट को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। और एक हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और यहाँ पर हम ग्रीन मिर्ची लेंगे, ये तीखी वाली मिर्ची है। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिर्ची लिए, 2 सफ़ेद इलायची ऐड कर देंगे। एक हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे, लेकिन इसके हमें सिर्फ बीज डाल लें। 8 से 10 इसमें हम डालेंगे काली मिरी। साथ ही में मैं यहाँ पर आइस क्यूब का यूज़ करूँगी, 2 से 3 हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे ये कलर रिटेन करने के लिए। अगर आपके पास में आइस क्यूब नहीं है तो आप बिना आइस क्यूब के भी इस मसाले को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी हो गया है। ग्राइंड करने के टाइम पे इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रीन मसाला बनके परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। मसाले को अभी हम रखेंगे साइड में और इस मसाले को अभी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अभी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को हाई करके और ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया। कीमे में ऑयल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ऑयल लिया। इसमें हम डाल देंगे प्याज रफली चॉप करके, हमने प्याज भी ऐड कर दी। अब प्याज को अच्छे से हम पिंकिश कलर का होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम प्याज लिए। फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं, हमें ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है प्याज को। जैसे ही हल्की सी पिंकिश कलर की प्याज हमारी हो गई तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और अच्छे से इसे हम भून लेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने अच्छे से भून लिया है अदरक लहसुन को और प्याज को। अब इसमें हम डाल देंगे 500 ग्राम मैंने मटन का कीमा लिया है और हैंड चॉप किया हुआ मैंने इसमें कीमे का यूज़ किया है। आप भी इसमें कोशिश करें, मशीन का कीमा इसमें यूज़ नहीं करें, हैंड चॉप कीमा हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा कीमा बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। 500 ग्राम कीमे में मैंने एनिमल फैट भी इसमें लिया है 100 ग्राम। तो अगर आप इसमें एनिमल फैट भी डालना चाहते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है अगर आप इसमें एनिमल फैट ऐड करते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। और अगर आपको एनिमल फैट पसंद नहीं है तो बिना एनिमल फैट के भी कीमा बना सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और 15 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पर इसे कुक होने देते हैं। तो आइए अभी कीमे को हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद कीमे का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से ऑयल वगैरह सेपरेट हो गया। अब इसे हम अच्छे से चला देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर अभी इसे और कुक करेंगे। लेकिन इसमें हम इंग्रेडिएंट और ऐड कर देते हैं। कीमे के इस पॉइंट पे अब हम ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन पेस्ट। हमने शुरू में आपको बताया ग्रीन पेस्ट मैंने किस तरह से बनाया है। इसमें हमने ऐड किया पुदीना, धनिया और शिमला मिर्च, हरी मिर्च हमने सब इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसका पेस्ट बना के रेडी किया था। तो पेस्ट हमने ऐड कर दिया हाई फ्लेम पर, अच्छे से इसे 5 मिनट और कुक कर लेंगे। तो कीमे को कुक करते हुए मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से और इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही लिया है, एकदम से गाढ़ा दही। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। रेड चिल्ली से हमारे कीमे में बहुत अच्छा कलर आएगा। और 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें धनिया का पाउडर।
साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरे का पाउडर हाफ टेबल स्पून, यानी हम भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने सारे ही इंग्रेडिएंट डाल दिए, इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमारा बिल्कुल लम फ्री होना चाहिए इस पॉइंट पे। 6 से 7 सेकेंड मैंने अच्छे से इसे लम फ्री कर लिया। अब इस पॉइंट पे हम सारे इंग्रेडिएंट को ऐड कर देंगे खीमे में, और इस बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल के और इसे अच्छे से चला देंगे ताकि इसमें जो दही और सारे इंग्रेडिएंट लगे हुए तो वो भी हमारे साथ पानी में आ जाए। और इसको ऐड कर देंगे पानी को हम खीमे के अंदर। खीमे में हमने ग्रीन पेस्ट और इसमें हमने दही वगैरह भी ऐड कर दिया। अगर आपको ज़्यादा ग्रीन खीमा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली का यूज़ ना करें। जब आप पेस्ट बना रहे हैं हरा पेस्ट हो, इसमें थोड़ी सी मिर्ची का और यूज़ कर लें। और मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली इसलिए ऐड की है क्योंकि मुझे कीमा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का अच्छा लगता है। इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली का यूज़ करते हैं तो हमारा जो कीमा है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का बनके तैयार होता है। और इस पॉइंट पे अब इसमें हम डाल देंगे मटर। 1 कप हम इसमें मटर का यूज़ करेंगे। मुंबई में ये कीमा बनाया जाता है तो इसमें मटर का ज़रूर यूज़ होता है। हमने इसमें मटर भी डाल दिए। मटर डाल के हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। और या फिर हम जब तक कुक करेंगे जब तक हमारे मटर अच्छे से गल नहीं जाते कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद कीमे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कीमे का कलर थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर का कीमा हो गया। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, चला देंगे। और मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई रखा था, अब इस पॉइंट पे फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर अगर आप लो रखेंगे तो आपका जो कीमा है वो एकदम से जूसी और सॉफ्ट टेंडर बन के तैयार होगा। तो खीमा हमारा यहाँ पे कुक हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली जिनको मैंने स्लिट कर लिया है बीच में से, और इससे हमारी मिर्ची का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप इसमें हम डाल देंगे फ्रेश धनिया। इसका ज़रूर से यूज़ करें, फ्रेश धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कीमा और मटर बहुत अच्छे से इसमें कुक हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे हरे धनिए के बाद गरम मसाला, जो कि हमारा होममेड गरम मसाला रहता है। तो खीमे की कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा गरम पानी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी एक फाइनल स्टेप, अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे कीमे में। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है बटर। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ज़्यादा हम हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। यहाँ पर बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे मेरी होममेड ये कसूरी मेथी है, तो 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। लेकिन हमें ज़्यादा भी इसको कसूरी मेथी को यहाँ पर कुक नहीं करना है। कसूरी मेथी डाल के सिर्फ हम 6 से 7 सेकेंड इसे अच्छे से कुक करेंगे बटर में। और हमारा तड़का यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। अभी हम तड़का दे देते हैं खीमे में। तड़के के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो बिल्कुल मुंबई स्टाइल हमारा खीमा बन के तैयार हो गया। इसे अभी हम सर्व कर लेते हैं। कीमे को आप सेहरी में बना के इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ या फिर पाव के साथ में भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपका कीमा कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।